यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज यूपी शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन ऑफिसर्स के साथ चर्चा भी है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी ऑफिसर मौजूद रहेंगे। सूत्रों बता रहे हैं कि बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 90 दिन का वक्त दिया गया है कि परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उनको नए सिरे से लाया जाए, नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नए चयन सूची के तैयार होने से पिछले 4 साल से हजारों शिक्षकों के जो काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, सरकार के लिए अब क्या रास्ता बचा है, क्योंकि एक तरफ या तो वो अपील कर सकते हैं या फिर 90 दिन में वो नई मेरिट लिस्ट ला सकते हैं, लेकिन ऐसे में जो पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल निशान लग गया है, और दूसरा है जो राजनीति इस पर हो रही है उसको देखकर क्या कहा जाएगा? देखिए अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति इसमें चरम पर चली गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है 10 सीटों पर। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकाले ताकि किसी का नुकसान भी ना हो और सरकार के फैसले के साथ साथ कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सके। सरकार के पास अमित ऐसे मामले में 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ये बचता है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी किया जाए इस पूरे 69,000 भर्तियों की, तो एक ऑप्शन ये बचता है। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि सरकार लखनऊ हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और तीसरा फैसला यह हो सकता है कि 18,000 जिन शिक्षकों को लेकर के असल दिक्कत है उनको समायोजित करते हुए एक नई लिस्ट निकाली जा सकती है, यानी कि नौकरी किसी के ना जाए और 18,000 लोग जिनका मामला फंसा हुआ है उनको भी नौकरी देकर के किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास पर शाम 5:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो मौजूद होंगे, शिक्षा विभाग के अफसर मौजूद होंगे, इसके अलावा यूपी के महाधिवक्ता मौजूद होंगे और कानूनी जानकार जो होंगे जो हाईकोर्ट के फैसले को अध्ययन करने के बाद सीएम के सामने रखेंगे और यह भी बताएंगे कि हम इस पूरे मामले में कौन सा फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ शिक्षकों का जो हित है वो भी बच सके बल्कि कोर्ट का जो फैसला है उसको भी फॉलो किया जा सके और किसी भी शिक्षक के साथ, चाहे उनकी संख्या 18,000 हो या फिर 18 हो, किसी के साथ भी अनहित ना हो, किसी के साथ भी ऐसी परेशानी समस्या ना हो कि उनकी नौकरी जाने की न बताए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे दौरे को कंप्लीट करके शाम को जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो शाम को आखिरकार कितने बजे तक ये बैठक हो सकती है? दूसरी बात यह है कि कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहे हैं सरकार की ओर से, और तीसरी चीज यह है कि क्या आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का फैसला आएगा, क्योंकि इसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बना दिया है। विशाल, अमित देखिए, इससे कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया है, न सिर्फ अखिलेश यादव इसको लगातार मुद्दा बना रहे हैं, लगातार एक्स पर यानी कि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बल्कि कल जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने सारा जो क्रेडिट है वो कोर्ट को दिया और विपक्षी पार्टियों को दिया जिन्होंने दरअसल इस पूरे आंदोलन में शिक्षकों का साथ दिया था। और जब केशव प्रसाद मौर्य सरकार के डिप्टी सीएम ने इस मामले में ट्वीट किया, एक्स पर अपनी बातों को लिखा, तो उन्होंने उस पर ही उसको रिप्लाई करते हुए ये लिख दिया कि आखिर सरकार उस समय कहां थी जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हो चुका है। विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि सरकार को घेरे और आने वाले दिनों में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें किसी तरीके से एज लें, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट बताया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का। तो जो भी पार्टी जिनके पास 5-5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास, जो भी 6 सीटें जीतेगा, 7 सीटें जीतेगा या 8 सीटें जीतेगा, वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसको एज होगा। यही वजह है कि कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष। अच्छा, अमित, चलते चलते एक और बात, जो मायावती ने ट्वीट किया है, जो 45 पद निकाले गए हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के सचिव पद के, उसको लेकर भी मायावती ने ट्वीट किया है। क्या ये सारे जो मुद्दे हैं, क्या उपचुनाव के मद्देनजर ही इतना उठाया जा रहा है सियासत के तौर पर, सियासी तौर पर? देखिए अमित, इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से हो, सभी लोग ये जानते हैं कि जो
आरक्षित वर्ग का वोट है, चाहे वो दलित समुदाय से आता हो, ओबीसी से आता हो, एसटी समुदाय से आता हो, वो उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां समाजवादी पार्टी को लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये जो मत है वो उनकी तरफ डाइवर्ट हुए हैं और ये माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है, तो समाजवादी पार्टी उसको इंटैक्ट करना चाहती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अपने बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अब बहुत सधे हुए कदम रख रही है ताकि वो अपने वोटर्स को अपने पास रख सकें और जो ये 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें वो जीत हासिल कर सकें।